Registration opens at SP Smart Schools for Class 11th admission at Exchange Road, Jammu and National Highway 1, Sarod. Visit school office at both campuses to fill registration forms between 9 a.m. to 5 p.m. SP Smart Schools, the leader in innovative schooling. पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। भारत से लगातार इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग उठ रही थी। इसी बीच आज सुबह भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा LOC पार कर आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि वायुसेना के विमान ने आतंकी कैंप पर 1,000 किलोग्राम के बम बरसाए, जिसमें आतंकी कैंप पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। इस अभियान में 12 मिराज विमानों ने हिस्सा लिया। इस हमले में जैश का कंट्रोल रूम अल्फा 3 तबाह कर दिया गया है, साथ ही बालाकोट चकौटी में जैश के लॉन्चिंग पैड भी तबाह किए गए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह में कर सकता है। 8 से 10 चरणों में होने वाले आम चुनावों के लिए आयोग को कम से कम 60 दिन का समय चाहिए होता है। ऐसे में उम्मीद है कि आयोग 6 मार्च तक चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले पर सुनवाई करेगी। 5 सदस्य नई संविधान पीठ पहली बार इस मुद्दे की सुनवाई करेगी। पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस M.A. बोबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S. अब्दुल नजीर शामिल हैं। जस्टिस UU ललित के 10 जनवरी को सुनवाई से अलग होने के बाद नई पीठ का गठन किया गया है। असम के गोलाघाट और चोरहाट जिलों में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 157 हो गई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की सुरक्षा बढ़ा दी है। ISI ने उसे सेफ जोन में छिपा दिया है। जानकारी के मुताबिक मसूद अजहर को 17 और 18 फरवरी को रावलपिंडी से बहावलपुर के पास स्थित कोट घानी भेजा गया है। बताया जा रहा है कि सेफ जोन में मसूद अजहर ने हिजबुल सरगना सलाउद्दीन से भी मुलाकात की। 26 फरवरी को सुबह तड़के भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा पार करके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी कैंपों को निशाना बनाया। आतंकी कैंप पर वायुसेना के विमानों ने 1000 किलोग्राम के बमों की बारिश की, जिसमें आतंकी कैंप पूरी तरह ध्वस्त हो गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने POK में भारतीय विमानों की मौजूदगी को न केवल स्वीकार किया है, बल्कि उनके द्वारा की गई बमबारी की तस्वीरें ट्विटर पर जारी की है। कश्मीर घाटी में मीर उमर फारूक सहित कई अलगाववादी नेताओं के घर पर NIA ने छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि NIA के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस और CRPF के जवानों के साथ मिलकर घाटी में करीब 9 जगहों पर छापे मारे। इसमें पाकिस्तान का समर्थन करने वाले अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नईम गिलानी का घर भी शामिल है। इसके अलावा JKLF नेता यासीन मलिक, शबीर शाह, अशरफ सहराई, जफर भट्ट के घर पर भी छापे पड़े हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये मामला हवाला के जरिए अलगाववादियों को कथित रूप से पाकिस्तान से मिलने वाले धन से जुड़ा है।